मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में हरोली में प्रस्तावित ड्रग पार्क को लेकर कहा कि नवंबर की सर्दी में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। गौरतलब है कि देश में बनने वाले 3 ड्रग पार्क में से एक हिमाचल प्रदेश द्वारा भी ऊना की हरोली विधानसभा के लिए प्रस्तावित है। इसका प्रस्ताव प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र को भेजा गया है। दावा किया जा रहा है कि इसमें आने वाली दवा कंपनियों में लगभग 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन प्रदेश कांग्रेस द्वारा इस ड्रग पार्क के निर्माण पर जंगल कटान का हवाला देकर इस पर रोक लगाए जाने की मांग की जा रही है। कांग्रेस की इस मांग के बाद हरोली में विकास कार्य को अंजाम देने आए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उसे विकास विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संभवतः लोगों को रोजगार नहीं मिलने देने के पक्ष में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को इसका समर्थन करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस जनता के विकास की विरोधी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश कांग्रेस द्वारा कोरोना पर प्रदेश सरकार के फेल होने के आरोप पर कांग्रेस नेताओं को पंजाब जैसे कांग्रेस शासित राज्यों के हाल देखने की हिदायत दी। उन्होंने नेता विपक्ष पर सिर्फ विरोध की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उनकी व्यवस्था है, क्योंकि उनकी पार्टी ने उस प्रकार का दायित्व उनको दिया है, जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी के तहत उनको कुछ कहना है। ऊना के साथ पंजाब बहुत नजदीक है, वहां उनका शासन है, वहां की परिस्थितियों को देखो जरा। जितना हमारा जो है वो एक्टिव नंबर है उसके करीब तो वहां पर मृत्यु का आंकड़ा पहुंच रहा है। और दूसरी बात में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना के इस संकट के दौरान जो भूमिका विपक्ष की रहनी चाहिए थी, ऐसा संकट दुनिया ने नहीं देखा, प्रदेश ने नहीं देखा, देश ने नहीं देखा। और ऐसे संकट के क्षण में प्रयत्न करना चाहिए था कि राजनीति न सुधरे, और राजनीति ना करके इसमें सहयोग की दृष्टि से विपक्ष को आगे आना चाहिए था। लेकिन पूरा 7 महीने का 8 महीने का कोरोना का ये दौर जो बीता है, वो राजनीति करते रहे, हम लोगों की सेवा करते रहे, ये अंतर है जिसको समझने की आवश्यकता है। आज एक बार फिर से हरोली विधानसभा क्षेत्र में आना हुआ है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कुल 10 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम यहाँ पर आज हम कर रहे हैं। उसमें से भूमि पूजन के कार्यक्रम 7 हैं, और उसके बाद 3 जो है वो हमारे उद्घाटन के, दोनों को मिलाकर के अगर हम पूरी राशि का हम जिक्र करें तो 70 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाएं जो है आज इस विधानसभा क्षेत्र हरोली में लोगों के लिए हम जो है वो समर्पित कर रहे हैं और शुरू कर रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में क्या करता है, विकास की कमी ना हो, ये हमारी पूरी कोशिश है। और यहाँ हिमाचल प्रदेश में पिछले लगभग 3.5 साल के कार्यकाल में हर विधानसभा क्षेत्र में विकास को गति दी गई है, और उस दृष्टि से ऊना जिला भी हर विधानसभा क्षेत्र में विकास करते हुए आगे बढ़ रहा है, और उसमें हरोली विधानसभा क्षेत्र में। सर, मुझे मालूम नहीं कांग्रेस के कितने लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने 3 जो बल्क ड्रग फार्मा के बड़े जो क्षेत्र में जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, 3 को स्वीकृति दी है, और 3 में से उसमें बिडिंग का एक कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया, कंपटीशन होना चाहिए हर प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश ने इसमें बिडिंग की, और बिडिंग भी बहुत अग्रेसिवली की है। हमारे सामने प्रस्ताव थे कि यहां खोलो वहां खोलो, ऐसी बातों को लेकर के, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ने बहुत विस्तार से चर्चा करने के बाद, विचार विमर्श करने के पश्चात, हमने उन सारी चीजों को अध्ययन करने के बाद हमने निर्णय किया कि बल्क ड्रग फार्मा के लिए अगर हम स्थान भूमि का चयन अगर कहीं करना चाहिए हमको, तो वो ऊना में करना चाहिए। और एक ऐतिहासिक ये एक निर्णय हमने लिया है, और मैं उम्मीद में हूं कि 3 में से एक हमारा बल्क ड्रग फार्मा जो है हमारे हिस्से में आएगा, निश्चित रूप से आएगा। और मैं आभार व्यक्त भी करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने एग्रीमेंट करके जो बहुत जल्दी में जमीन देने के लिए सहमति तय की है,
उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के संदर्भ में मुझे सिर्फ इतना कहना है, विकास को विरोध करना, क्योंकि इस वक्त फार्मा के इसमें 1000 करोड़ के लगभग तो केंद्र इसमें मदद कर रहा है सब्सिडी के रूप में विभिन्न इसके माध्यम से, और ये इन्वेस्टमेंट 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट जिस स्टेट में आने वाला है, उस जिस इलाके में आने वाला है, उसका विरोध कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल के लोगों को रोजगार, हिमाचल के लोगों के रोजगार के साथ साथ में ये ऐतिहासिक निर्णय जो प्रदेश सरकार ने किया है कि हम इसके लिए ऊना में और हरोली में इस जगह का चयन कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लोगों को विकास का विरोध नहीं करना चाहिए। राजनीति आती रहती है, जाती रहती है, और ऐसी परिस्थिति में इसका अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए।